सूरत नाटफलाइंस खाते आवेला इंडो स्टेडियम में आज एटले के सोमवार 17 ऑक्टोबर थी डीजीपी कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट उद्घाटन करायु हतु। ओपनिंग सेरेमनी नु उद्घाटन सूरत पोलिस कमिश्नर जी कुमार तोमर ना हस्ते करायु हतु, जेमा शहर नामांकित लोग उपस्थित रह्या हता। तो आ स्पर्धा में गुजरात विविध शहरों और रेन्ज की टीमों भाग लेशे। सूरत इंडो स्टेडियम खाते शुरू थे डीजीपी कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लेवा उत्साहभरे पोलिस जवानों छोड़ाया हता। सिटी सूरत शहर में ड्रग्स के पीछे हाथ धो के हम पड़ जाएंगे, लगे भी हुए हैं। सूरत शहर में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं रहेगा। सूरत शहर में साइबर क्राइम के पीछे हम इस तरह से पड़ेंगे, चाहे जामतारा में हो, बेंगलोर में हो, बॉम्बे में हो, मेवात में हो, जहां के भी क्रिमिनल हो उनको पकड़ के काठला पकड़ के यहां लेके आएंगे। सूरत शहर में एक भी ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं होगा। सूरत शहर में बेटियां और बहनें सलामत रहेंगी। सूरत शहर में सीनियर सिटीजन सलामत रहेंगे। ये सभी चीजों की घोषणा मैं आज नहीं कर रहा हूं और ये सब मैं नहीं करने वाला हूं। ये सभी मेरी टीम और वहां जो इधर आपको दिख रही हैं पुलिस के कर्मचारी, एडिशनल सीपी से लेकर कांस्टेबल तक, ही हमारी टीम की घोषणा है। क्योंकि खेलने का मजा तब है जब शरीर में ताकत आए, जब दिल में जुस्सा आए, और यदि दिल में जुस्सा और शरीर में ऊर्जा हो और तालीम आपकी बढ़िया है तो किसी भी क्रिमिनल का ऐसा चैलेंज बाकी नहीं रह सकता जिसको हम हरा नहीं सकते। जैसे हम खेल के मैदान में जीतेंगे, उसी तरह पुलिस क्राइम के अगेंस्ट भी जीतेगी, कायदा व्यवस्था में भी जीतेगी, जाहिर व्यवस्था में भी जीतेगी, और लोगों का दिल जीतने में भी कामयाब रहेगी। आप सभी लोगों को एक बार मेरी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ।